तो ये है प्रहलाद घाट का सीन और यहाँ पर लोग योगा कर रहे हैं। बैठ के यहाँ अभ्यास कोई कर ले, अपने जीवन में वो देले मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन बोले न्यूरोसाइकल दोनों गतिविधियों से भावनात्मक क्रिया। तो ये है इस समय योग दिवस का यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रहा होगा जो करीब करीब कंप्लीट होता नजर आ। तो ये है शानदार सीन, कम ज्यादा करीब करीब हर जगह भीड़ रहा है। आपके अंदर मिलेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये है सुबह 6 बजे का इतना ज्यादा रश जहाँ पर योग। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंडिंग सूरज ब्लॉग। आज है विश्व योग दिवस और इस योग दिवस के अवसर पर आज का ये मेरा ब्लॉग है। हम लोग चलेंगे आज बनारस के फेमस घाट अस्सी घाट पे और अन्य घाटों पे जहाँ पर देखेंगे किस तरीके से बनारस में योग को लेकर किस तरह लोगों के जागरूक हैं। तो चलते हैं हम लोग आज का ये ब्लॉग बनाने। तो ये है सुबह 6 बजे का इतना ज़्यादा रश जहाँ पर योग को लेके लोगों को भी कितना मतलब अच्छी फीलिंग है या अच्छी जागरूकता है कि लोग पहुँच रहे हैं। आप बाइक के देख के समझ सकते हो कि सुबह 5 बजे का 5:30 बजे का ये सीन है और पूरी तरीके से भरा हुआ है, ओवरलोडेड है यहाँ पर पार्किंग एरिया। जून 21, 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जहाँ तक मुझे जानकारी है मनाया गया। इसके पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इसकी घोषणा हुई थी, वहाँ पर पहली बार इसका चर्चा चला था। इतना करते हुए अब हम लोग पहुँचते हैं अस्सी घाट पर और देखते हैं वहाँ का सीन क्या रहता है या सुबह का माहौल जैसे भीड़ तो हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये है मुख्य गेट। हमारे घाट पे कुछ ये सीन है, इसके अलावा अगल बगल का भी सीन खाली। अभी आप देख रहे हो अस्सी घाट की जो खाली जगह है, लेकिन इतनी सुबह गर्मी का मौसम आपको जाने दो कि इस समय जून चल रहा है तो सुबह ही सुबह लोग नहाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में। तो योग दिवस के नाम पर मतलब एक बहाना भी है, एक मौका भी है, यहाँ नहाने के लिए भी पहुँच रहे हैं और अच्छा खासा भीड़ भी है नहाने वालों की। तो गंगा यहाँ पर नदी में कुछ ये भीड़ है नहाने वालों की सुबह ही सुबह और इधर योग चल रहा है। इस योग दिवस पे बनारस के अस्सी घाट पे गोरखा रेजिमेंट के लोग शामिल हुए हैं जिसमें उनके रिटायर कर्मचारी प्लस जो अभी वर्तमान में पोस्टेड हैं वो मतलब दोनों ही जनरेशन के लोग शामिल हैं और भी कुछ खास लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देले मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन बोले न्यूरोसाइकल दोनों गतिविधियों से भावनात्मक क्रिया है, सकारात्मक सोच के धनी होते हैं हम, आत्मबली सहनी होते हैं आप सब योगी हैं, जन्म से स्वभाव से या कर्म से आप साधना कर रहे हैं। मस्तिष्क को जैसे ही ऑक्सीजन देते हैं पूरा, हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। ये काशी का आगे कोण है, बैठ के यहाँ अभ्यास कोई कर ले अपने जीवन में वह अमूल्य आपके अंदर मिलेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस संसार में जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां जाते हैं, एक लटाओ ये काशी है। तो अस्सी घाट पे आप लोग साधना कर ले, कुछ अन्य घाटों पे हम लोग चलते हैं वहां तक आप हो जाएंगे। तो योग दिवस पर मेरा ये ब्लॉग चल रहा है और इसको लेके मैं प्रहलाद घाट और रविदास घाट पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, छोटी या बड़ी संख्या में, लेकिन हर एक घाट पे थोड़े बहुत संख्या में लोग हैं जरूर। तो ये है प्रहलाद घाट का सीन और यहाँ पर लोग योगा कर रहे हैं इस जगह पे। बहुत ही सुंदर सीन है यहाँ का भी। हम लोग वहाँ वो किनारे अस्सी घाट पर थे उस साइड, एकदम आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा।
जैसे जैसे सुबह हो रहा है वैसे वैसे उमस और बढ़ते जा रहा है। और हाँ रही बात, अभी जिस घाट पे हूँ अब देख के पहचान गए होगी कौन सा घाट है। इस समय बनारस का सबसे ज्यादा भीड़ भटोरने वाला कोई घाट है तो यही घाट है, नमो घाट। रात के 12-1-2 बजे तक यहाँ भीड़ रुकने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक मुझे लगता है कि 24 आवर लोग रहते हैं। और योग दिवस की बात तो यहाँ पर लगभग मतलब ख़त्म हो चुका है और हम लोगों को भी आते आते काफ़ी समय हो गया, तो कुछ ये सीन है। तो ये है इस समय योग दिवस का, यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रहा होगा जो करीब करीब कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। सामने बोर्ड लगा है इंटरनेशनल योग डे 15 से 21 जून, तो 15 से 21 जून था जो यहीं ख़त्म हुआ। तो यह है शानदार सीन, कम ज़्यादा करीब करीब हर जगह भीड़ रहा है। यहाँ तक देखा गया कि सभी घाटों पे कम हो या ज़्यादा हो कुछ ही कुछ संख्या में, लेकिन लोग हैं अभी भी। और अब हम लोग का टाइम भी हो रहा है घर चलने का। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा किस पे बना देना चाहिए, मैंने बनाया। तो जैसा कि आपको बता रहा था कम या ज़्यादा, लेकिन हर जगह पे थोड़ा बहुत लोग हैं। जब इस योग दिवस के अवसर पर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है जो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें।